हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा चलो घूम के आते हैं, और मुझे शॉपिंग भी करनी थी अपने लिए, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरे पास कपड़ों की कमी हो गई है, जैसे कि हर लड़की को लगता है। तो इसीलिए शॉपिंग करने भी निकल गए और घूमने भी निकल गए, और बहुत दिन से गए भी नहीं थे। तो ये ब्लॉग पूरा उसी पे ही है कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की और क्या क्या देखा, चीकू ने कैसे मस्ती की। तो इस पूरे व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, और इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने अपने लिए क्या क्या चीज़ें खरीदी, और फिर साथ में अगर अपने लिए खरीदी तो चीकू के लिए भी खरीदी होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मम्मा और चीकू रेडी हो चुके हैं, दोनों ने मैचिंग मैचिंग पहना है, येलो येलो। और चीकू, आर यू रेडी? देखो 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 बेबी, Oh my God! Who is this handsome boy? So, ये मैंने एक बैग ले लिया है, और जैसे कि मैंने बताया था मैं बाल अभी खुले नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये है पूरे बाल मेरे नोच लेगा, इसलिए मैंने ये जैसे देख सकते हैं आप, ये इसको पता नहीं कौन सी हेयर स्टाइल बोलते हैं, पर बिग बॉस में निमृत बहुत करती थी तो मुझे अच्छा लगता था, कम्फर्टेबल भी है और थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही हेयर स्टाइल कर ली है सिंपल सी। और मैं आपको अभी अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। तो नीचे मैंने कंफर्टेबल सी एक जीन्स पहनी है, और वो भी जाना चाहिए थोड़ी सी, और हील्स ज़्यादा नहीं पहनी है, ये भी सिंपल फ्लैट टाइप की ही है, और एक कैजुअल सा टॉप ले लिया, पहन लिया है, और बस। और चीकू को भी कंफर्टेबली मैंने रखा है, क्योंकि इसका पता नहीं कितने ड्रेसेस मुझे वहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा, तो दोनों कंफर्टेबल रहे इसीलिए मैंने ये पहना, और मैचिंग मैचिंग मम्मा बेटा मम्मा बेटा। तो फाइनली हम तीनों लोग रेडी हो चुके हैं, मम्मा बेटा सेम सेम, डैडी अलग से ही, ये अलग से ही बीच वाला लुक लेके पर बहुत क्यूट लग रहे हैं, और मेरा बेबी तो है ही क्यूट। तो फटाक से जल्दी से जाते हैं, क्योंकि चीकू ने अभी फीड लिया है, और इसके फीड की वैलिडिटी सिर्फ 1 घंटे होती है, और कभी कभी कम भी हो सकती है, तो इसलिए हम लोग निकलते हैं, और रास्ते में सारी चीज़ें मैं कवर करती रहूँगी। और आपको बता, फाइनली हम लोग निकल लिए हैं, शाम के 5 बजने वाले हैं, 4:15 हो रहे हैं, तभी धूप बहुत ज़्यादा है, पर मौसम अच्छा है, अब निकलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं, ये देखो चीकू, चीकू बहुत खुश लग रहा है आज। तो पहुंच भी गए हैं, और संडे था तो रश भी ज़्यादा है, इसलिए पार्किंग के लिए थोड़ी लाइन लगानी पड़ रही है, और चीकू के ऊपर धूप आ रही है, चीकू इरिटेट हो रहा है। फाइनली हम लोग पार्किंग करके फिर एंटर कर चुके हैं, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगी, जल्दी जल्दी देखूंगी मुझे जो पसंद आएगा, क्योंकि अगर चीकू इरिटेट होने लगेगा तो कुछ करने नहीं देगा, तो फिर इसीलिए मेरा मेन था कि मुझे टॉप्स देने हैं, तो इसलिए मैं मैक्स में डायरेक्टली चली गई। तो स्टार्टिंग में ही ये मेंस का पोलो टी शर्ट का कलेक्शन मुझे अच्छा लग रहा था, तो खैर ये सब चीज़ें तो मैं बाद में देखूंगी, पहले तो मैं अपने लिए टॉप देखूंगी। ये मुझे एक टॉप पसंद आया, ये टैंक टॉप टाइप का है, तो और भी मैं जल्दी से देख लेती हूँ, क्या पता कोई और पसंद आ जाए। मुझे टॉप में थोड़े से फुल स्लीव्स नहीं पसंद आते हैं, और थोड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, लूज फिटिंग होनी चाहिए, तो हाँ ये मुझे एक पसंद आ रहा है। ये देखने में वैसे अभी डार्क पिंक लग रहा है, पर एक्चुअल में ये ऑरेंज कलर है। तो खैर मैं आपको बताऊंगी मैंने अपने लिए कौन कौन से 2 टॉप लिए हैं। अब एक बार किड सेक्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ये कपड़े बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और मन करता है मैं चीकू के लिए कुछ ना कुछ तो ले लूं। खैर अभी चीकू के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने परचेज की थी, तो नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ। तो अभी चीकू सो गया था, सो के अब ये उठा है तो थोड़े अच्छे मूड में होता है, तो चीकू के डैडी उसको ये सॉफ्ट टॉयज़ दिखा रहे हैं, तो वो खेल रहा है उनके साथ। और मैंने शॉपिंग तो कर ली है अपने लिए, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने अपने लिए क्या क्या शॉपिंग की है, और फिर मुझे अपने हस्बैंड के लिए भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी। जनरली होता उल्टा ही है कि अगर हस्बैंड के लिए शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने लिए शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती, पर मेरे साथ आज उल्टा हुआ है कि मैं आई थी अपने लिए शॉपिंग करने, पर मैंने इनके लिए ज़्यादा शॉपिंग कर ली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इनके लिए क्या क्या शॉपिंग की है मैंने। मैं बिल कटवा लेती हूँ, और उस तब तक ये भी चीकू को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके फीड का टाइम हो रहा है।
तो चलिए, और अब मेरी तो शॉपिंग हो गई है, मैंने बिल भी करवा लिया है और बैग्स तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब निकलते हैं, पहले तो मुझे ढूंढना है फीडिंग रूम की, फीडिंग रूम है कहाँ, क्योंकि चीकू सो के उठा है तो उसको चाहिए फीड। तो अब मैं पहले देख लेती हूँ कहाँ पर है। फिर यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है एंटरटेनमेंट के लिए, ये एक हॉर्स है, पैडल मारोगे तो ये आगे जाएगा, पर अभी चीकू इतना छोटा है कि मैं इसको इसमें नहीं बैठा सकती हूँ, पर बच्चे तो बहुत मस्ती कर रहे हैं। और खैर, मैंने यहाँ पे पूछा था स्टाफ से तो उन्होंने बोला फीडिंग रूम है और जाके आप फीड करा सकते हैं, तो उधर ही मैं जा रही हूँ। और अब फीड करा दिया बेबी को, चीकू सो के उठा है। खैर एसी भी अंदर बहुत तेज़ रहता है, इसलिए चीकू को डैडी ने उसके कवर करके रखा हुआ है क्योंकि उसको ठंड ना लगे। बच्चों को ज़रूर ध्यान रखें बच्चों का, क्योंकि ठंडी गर्मी हो सकती है, जल्दी से उनको ठंड पकड़ सकती है। खैर मौसम अगर गर्म भी है, क्योंकि बाहर गर्मी होती है और अंदर एसी रहता है, तो इसलिए मौसम का ध्यान रखें। और अब चीकू की पेट पूजा तो हो गई थी, भारी थी मेरी और इसके डैडी की पेट पूजा की, तो वही जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि क्या खाना है। मुझे ऐसा था कि मुझे ज़्यादा नहीं खाना था, थोड़ा लाइट ही रखना है, और मैं बाहर का ज़्यादा नहीं खाती, अवॉइड करती हूँ, और इसीलिए मैं सोच रही थी कि पहले पिज़्ज़ा खा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं पिज़्ज़ा नहीं। पर मुझे एक ये फन बाइट्स का एक आउटलेट दिखा, तो इसमें बर्गर ऑर्डर किया और एक मील ऑर्डर की। तो जब तक आएगा तब तक मैं चीकू के साथ खेल लेती हूँ। और चीकू थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहा था क्योंकि इसकी नींद का टाइम हो रहा था, तो इसके डैडी ये देखिए इसको सुला रहे हैं बाहर, ये ऐसे नहीं सोता, इसको बहुत मनाना पड़ता है। अब हमारा मील और बर्गर भी आ चुका है, तो मैं देख लेती हूँ इसमें कौन कौन सा बर्गर है, क्योंकि एक में पनीर था और एक में नॉर्मल वेज बर्गर था। तो ये इसका बर्गर और फ्राइज खा के हम लोग बाहर निकले। फिर मैंने सोचा था कि मुझे लाइफस्टाइल भी जाना है, क्योंकि मुझे कुछ और टॉप्स भी चाहिए थे, पर रात भी हो रही थी और चीकू के मूड का तो पता ही है, बच्चों का मूड कैसा होता है, क्योंकि उसके सोने का भी टाइम हो रहा था, थोड़ा सा वो इरिटेट हो रहा था। खैर मैंने ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया, एक नज़र देखी थी स्टोर में। खैर मुझे उतना, क्योंकि अब कुछ ले रहे हो तो टाइम लगा के देखना, ट्राई करना, उसमें टाइम लगता है, तो फिर नहीं लिया वहाँ से। और हम लोग वापस आने लगे क्योंकि चीकू सो गया है इनकी गोदी में, और फिर उसको अगर थोड़ा सा भी वो इरिटेट हुआ, नींद उसकी टूटी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ये देखिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर फिर से कभी आ जाएंगे शॉपिंग कर लेंगे, अभी मेन तो है कि चीकू सो जाए। और फिर जा रहे हैं हम लोग वापस, और शॉपिंग हो गई है, मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान हो गया है, मेरा तो हाथ दुखने लगा, क्योंकि दो शॉपिंग बैग्स प्लस एक चीकू का बैग, क्योंकि बेबी के लिए सामान लेके जाना बाहर, उसके बेसिक सामान, डायपर। और मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि अगर आप बेबी के साथ बाहर जा रहे हैं, तो बेबी अगर, ये देखो चीकू उठ भी गया है, और अगर बेबी 6 महीने के ऊपर है तो ऑब्वियसली आप उसको बाहर से खाने के लिए देंगे, तो कुछ जैसे बनाना हो गया या मैश्ड प्योरी रख लो, वाटर रख लो, डायपर और एक्स्ट्रा पैंट्स तो रखना ज़रूरी है, तो ये सब रखा हुआ था, इसकी वजह से हैवी हो गया था उसका बैग भी। फिर अब वापस जा रहे हैं, चीकू उठ भी गया है और अभी तो ये खेल रहा है, लेकिन ये घर जाते ही सो जाएगा। इसको मैं सोचती हूँ कि रात में सॉलिड दूँ, पर ये रात में खाता ही नहीं है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ दिन में दूँ, और ताकि ये अपना इसका पेट भरा रहे, और रात में इसको मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। फाइनली अब काफ़ी रात भी हो गई है, काफ़ी रात तो नहीं लेकिन फिर भी रात हो गई थी, देखो भूखा भी है, मुँह में उंगली डाल रहा है। फाइनली आ गए हैं ये पूरी शॉपिंग करके, हम लोग 4 बजे निकले थे और अभी 8 बज रहे हैं, काफ़ी टाइम लग गया, बीच में चीकू को फीड भी कराना था और काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई हूँ। एक तो ये चीकू को इतना बड़ा बैग ले जाना पड़ता है, इसमें सारा सामान, उसका खाने पीने से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, प्लस शॉपिंग जरूरी होता है कि शॉपिंग किसी और के लिए करने जाओ, लेकिन अपने लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, पर मेरे साथ आज उल्टा हुआ है, मैं अपने लिए शॉपिंग करने गई थी पर मैं हस्बैंड के लिए लेके आई, तो ये जो दोनों बैग आप देख रहे हैं वो मेरे नहीं है, इसमें मात्र 2 टॉप सिर्फ मेरे लिए हैं और बाकी सारी चीज़ें हस्बैंड की है। तो मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग की है और कितना बजट था।
सो कल मैंने आपको बताया था मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, कल बहुत थक गए थे, बहुत थक गए थे तो, और आजकल चीकू भी रात में बहुत परेशान करने लगा है, थोड़ा थोड़ी देर में उठ जाता है, तो खैर अभी 10 बज चुके हैं सुबह के, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा भी देती हूँ। और चीकू मेरा ब्रेकफास्ट कर चुका है और अभी थोड़ा खेलने के मूड में है, ये खेलता रहेगा, मैं आपको दिखा दूँगी क्या क्या शॉपिंग की है। तो ज़्यादातर शॉपिंग तो मेरे हस्बैंड की हुई है, मेरी तो कुछ उतनी हुई नहीं है। गए थे, मैं गई थी कि मैं अपने लिए कुछ टॉप्स लूंगी, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरे पास टॉप नहीं है, कहीं जाना होता है भले ही पूरा बैग फुल हो लेकिन ऐसा लगता है अरे ये तो है ही नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा था ले लूंगी, लेकिन मुझे 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 हस्बैंड के पसंद आने लगे इसलिए इनका ले लिया, मैंने सिर्फ दो टॉप लिया। तो मैं आपको अपने में से दिखाती हूँ, सबसे पहले ये मैंने एक टॉप लिया अपने लिए मल्टी कलर में, मैं इसको पहन के भी दिखाऊंगी एक बार, मुझे तो ये बहुत प्यारा कलर लगा पहनने में और ब्राइट कलर है और इसमें सारे कलर्स हैं, ये देखिए बहुत सुंदर सा है ये। तो इसका प्राइस मैं आपको बताते चलती हूँ, ये साइज मैंने स्मॉल लिया है और इसमें प्राइस 499 है और एक्चुअल में कितना मिला वो लास्ट में मैं देखूंगी, क्योंकि बिल भी मेरे पास रखा हुआ है। तो एक ये टॉप मैंने अपने लिए लिया, तो ये मुझे कॉटन का टॉप पसंद आया, स्क्रीन पे कुछ ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, वैसे ये ऑरेंज है और थोड़ा सा रस्ट ऑरेंज टाइप में कह सकते हैं आपकी, बहुत प्यारा टॉप मुझे लगा। और ये क्रॉप टॉप है और बैक में इसके इलास्टिक भी है और ये वॉल्यूम स्लीव्स वाला है, ये भी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। इसके अलावा एक टॉप मुझे लास्ट में मैंने देखा था, मुझे बहुत प्यारा लगा था पर वो मैं ले नहीं पाई क्योंकि चीकू परेशान करने लगा था, और कहीं जाओ और चीकू के लिए कपड़े ना दो वो हो नहीं सकता, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, इसके लिए भी ले लो। और मुझे ये टी शर्ट्स पसंद आई और ज़्यादा महंगी नहीं थी, 129 की थी मैक्स में, तो मैंने ले लिया, 179 की है इसमें MRP लिखा है। और ये भी मैंने थोड़ा बड़ा साइज लिया है क्योंकि चीकू के जितने भी कपड़े हैं वो जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं। इसके अलावा हस्बैंड के लिए ये एक शॉर्ट्स लिया है, वैसे मुझे प्रिंटेड पसंद आ रहा था लेकिन इनको ये पसंद आया, इसके बहुत सारे कलर ऑलरेडी थे पर ये कलर नहीं था, थोड़ा सा ये कह सकते हैं बहुत लाइट पिंक और बादामी कलर का मिक्सचर है, बहुत प्यारा लगा, ये भी पहनवा के मैं दिखाऊंगी। उसके बाद अभी तक ये ज़्यादातर चेक्स में पहनते थे पर मुझे लगा कि अब थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, थोड़ा फंकी लुक होना चाहिए, तो ये शॉर्ट ली है, लाइनिंग में है बेसिकली ये, इसके साथ शॉर्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन में थोड़ा ये और शॉर्ट्स पहन के और लोअर्स पहन के बहुत अच्छा सा लुक आता है। एक सॉलिड में टी शर्ट पसंद आई, सॉलिड में ये पोलो टी शर्ट तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट रहती हैं, तो एक ये बहुत सारे कलर्स ऑलरेडी इनके पास है पर एक ये येलो थोड़ा मस्टर्ड में है, ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा ले लेते हैं, पर ये अगेन लाइनिंग वाली पर ये मल्टी कलर है, ये भी फंकी लुक के लिए है, ये भी मैं पहन, ऐसे शायद आपको नहीं अच्छी लग रही होगी लेकिन पहन के देखने पे बहुत प्यारी टी शर्ट ये शर्ट है, हाफ शर्ट है। फिर अगेन ये पोलो टी शर्ट है, वो भी लाइनिंग में है, ये भी पहनने के बाद दिखाऊंगी, बहुत अच्छी लग रही थी उस टाइम। और ये अगेन क्योंकि अभी तक मेरे हस्बैंड हमेशा फुल शॉर्ट्स ही पहनते थे पर इस बार मुझे ऐसा बेबी क्या हुआ, तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि इस बार हाफ में शॉर्ट्स लेते हैं, तो ये भी थोड़ा लाइट कलर में है, ये भी ये ऐसी शॉर्ट्स ली हैं कि इनको आप शॉर्ट्स के साथ भी पहन सकते हो, प्लस अगर आपको फॉर्मल्स में पहनना है उसमें भी पहन सकते हो। फिर साथ में ये एक लोफर्स भी लिए, बहुत टाइम से था कि लेना है पर नहीं ले पा रहे थे क्योंकि मेन होता क्या है इसमें जो इसका फैब्रिक होता है वो अगर डेनिम का होता है तो उसके कलर चले जाते हैं और बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है कि साल दो साल यूज़ करने के बाद, वो एक महीने में ही चला जाता है। तो मुझे ये जो फैब्रिक दिखा इसका ये थोड़ा सा रबर टाइप का है कि आप इसको क्लीन कर सकते हो, धुलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मुझे सही लगा तो मैंने कहा ले लेते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया मैंने क्या क्या शॉपिंग की और ये देखो मेरा बेबी अभी थोड़ा सा भूखा भी हो रहा है, वैसे इसको मैंने ब्रेकफास्ट कराया था पर इसने सुसु पॉटी दोनों कर दिया, अब इसको मैं जाती हूँ फटाक से चेंज करके और फिर इसका दोबारा से इसको फीड कराती हूँ। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।